सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के जो सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटायर पॉलिटी को लगभग कवर करेंगे वो डिस्कस करेंगे और ये इसमें से काफी कल भी जो जेके बी का एग्जाम हुआ उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए थे और अब आने वाली जितनी भी शिफ्ट रहेंगी उसमें भी इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे तो जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे और सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के देखते हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है कि फादर जो है इंडियन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है तो बी आर अम्बे कर को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन कौन है यह क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है, है? आइडिया जो है का वो पहले किसने दिया सबसे पहले तो एम एन रॉय ने दिया था स्टेट इमरजेंसी जो है कौन से आर्टिकल के अंदर आती है तीन सौ छप्पन के अंदर कल नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल आया था तो आज शायद ये आने वाले टाइम में आपको स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल भी वहाँ पर दिखाई दे तो इसको भी याद रखिएगा और नेक्स्ट है कि सोशलिस्ट रिपब्लिक सोशलिस्ट सेक्युलर एंड एंटीग्रिटी वर्ड जो है ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया ये था बत्तालीसवा अमेंडमेंट ठीक है उसके बाद जो है अगला है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अभी मैंने आपको पढ़ाया बी आर अम्बेडकर जी को बोला गया है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चलिए आपने बताया तो बहुत अच्छा है नहीं बताया तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है इनको जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फादर सॉरी चेयरमैन माना जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले किसने दिया एम एन रॉय ने दिया है ये हमने जो है डिस्कस किया है उसके बाद नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो कब अडॉप्ट किया गया ठीक है अडॉप्ट कब किया गया और इम्प्लीमेंट कब किया गया ये दो चीज़ें अलग हैं अडॉप्ट जो है आपका 26 नवंबर उन्नीस को हुआ है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये इफेक्ट में कब आया ये दूसरा क्वेश्चन तो ये है आपका 26 जनवरी 1950 में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है टुक हाउ मनी टाइम टू फाइनलाइज फाइनलाइज took how many time to finally complete the constitution कल आपको sessions आए हुए थे आज आपको शायद time period भी आ जाए ठीक है तो ध्यान रखिएगा दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है आंध्र प्रदेश की वो एग्जिस्टेंस में कम आई लिंग्विस्टिक स्टेट जो बनी तो ये आई थी आपकी फर्स्ट अक्टूबर तिरपन में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फर्स्ट स्पीकर जो है लोकसभा के वो कौन थे फर्स्ट स्पीकर आपके जी वी मावलांकर थे ठीक है तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें जो है वो डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है अनडिवाइडेड इंडिया की सबसे पहले जो है इसकी मीट कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई टोटल 11 हुई थी मैंने कल आपको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर ओवरऑल देखो तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होता है तो यूके ठीक है ऑल दो हर कंट्री से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया गया है लेकिन पूरा एक ओवरऑल व्यू अगर आप देखोगे तो पूरा यू के का मॉडल जो है इसमें अडॉप्ट किया गया क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो वही हमें सूझा भी वही है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्ड पर विच वर्ड वर एडिड टू प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द सेकंड फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड डाले गए तो इसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनों ही है बतालीसवा संशोधन हुआ है ठीक है ये भी हमने ऊपर पढ़ा है ठीक है अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट एमरजेंसी तो स्टेट एमरजेंसी जो है तीन में आती है ये भी हमने डिस्कस किया है ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल इज डराइव फ्राम ठीक है ये तीन वर्ड जो हैं जो प्रियम्बल में आते हैं कहाँ से लिए गए हैं तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फंडामेंटल राइट इज़ आल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर ऑन सॉइल ऑफ इंडिया ठीक है तो अंग्रेज़ अगर कोई भारत की सॉइल पर है उसको कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट right उसको भी मिल जाता है तो वो है राइट टू लाइफ ठीक है आर्टिकल 21 के अंदर आता है ओके फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी हैज़ बिन बोर्ड ठीक है राइट टू इक्वालिटी जो है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है तो बिल्कुल ब्रिटेन से लिया है ठीक है यानी यूके से ही लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डिफाइन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक है तो ये कौन से आ, आर्टिकल के अंदर आता है तो ये है आपका आर्टिकल चौदह के अंदर आता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ लच्छा दीप मिनी कॉय एंड अमीन अमीन दीवी आइलैंड वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन ठीक है इनके आ, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको पहले अलग अलग आइलैंड्स लक्षद्वीप मिनी एंड मिनी दीवी कहा जाता था फिर इसको चेंज करके एक लक्षद्वीप आइलैंड पूरा बनाया गया तो कौन से पार्लियामेंट में एक्ट जो है कब आया था इसको लेकर तो उन्नीस में आया था ओके मेंबर जो है लोकसभा के उनकी टर्म क्या होती है तो मेंबर जो है लोकसभा के उनकी टर्म जो है वो चार साल की रहती है नहीं इसकी चार साल नहीं होगी इसकी पाँच साल टर्म होगी ठीक है ये आई थिंक कुछ गलत आंसर दिया गया है ठीक है पाँच साल इसकी टर्म जो है वो होगी ओके याद रखिएगा उसके बाद है मिनिमम एज जो है इलेक्शन के लिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करना है तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए तो पच्चीस साल की होनी चाहिए तभी आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं फोर्थ स्टेट जो है डेमोक्रेसी में किसको कहा गया है तो बिल्कुल मीडिया जो है उसको फोर्थ स्टेट कहा गया है जिन चौथा पिलर राइट टू प्रॉपर्टी जो है रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल रिस्ट की लिस्ट जो फंडामेंटल की लिस्ट राइट right की लिस्ट है तो किस अमेंडमेंट के थ्रू तो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है इसको रिमूव वो अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का उसको कौन अपॉइंट करता है तो प्रेजिडेंट उसको अपॉइंट करता है ठीक है विच फंडामेंटल राइट हैज़ बिन डिस्क्राइब बाई बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको हार्ट एंड सोल बी आर अम्बेडकर ने कहा है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ठीक है आर्टिकल बत्तीस भी इसके अंदर आता है रेट भी आती है ये क्वेश्चन कल आया भी था ओके कल एस के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आया था द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेड डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव टू गाइड डेलीब्रेशन ऑफ असेंबली वॉज मूव बाय ठीक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने दिया था बाद में बादल के फॉर्म में हुआ था तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मिनिमम एज जो है वोटर की भारत में कितनी है तो मिनिमम एज 18 है पहले 21 थी फिर 18 कर दी गई थी वट इज़ द मिनिमम परमिशिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री ठीक है एनी किसी फैक्ट्री या माइन में अगर काम करना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए तो आपकी चौदह साल होनी चाहिए ठीक है ये फंडामेंटल राइट right के अंदर भी कहा गया है चौदह साल से कम के बच्चों को लगाओगे तो वो एक जुर्मा रहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोबिटेड द यूज़ ऑफ वर्ड हरीजन एंड रिप्लेस इट विद अनुसूचित जाति इन ऑफिशियल वर्ड ठीक कौन सी स्टेट uh, ने uh, हरीजन वर्ड की जगह आप अनुसूचित जाति वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो है आपकी उत्तर प्रदेश हमारे योगी आदित्यनाथ जी विच फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ हैज़ बिन बोरो ठीक है रूल ऑफ लॉ कहाँ से बोरो किया गया है तो यूके से ही बोरो किया गया है ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब डाली गई हैं संविधान में तो उन्नीस सौ छिहत्तर में डाली गई हैं फ्राम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज़ बिन बॉर्ट ठीक है यूनियन और स्टेट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ से जो है लिया गया है तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है ठीक है तो मैक्सिम चीज़ें ब्रिटेन से ही ली गई हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं कि पूरा ओवरऑल ये ब्रिटेन से ही है इन विच यर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो है अमेंडमेंट कब हुई तो ये इक्यावन में हुई थी उन्नीस सौ इक्यावन में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन सिक्स टू फोरटीन एज वाज मेड फंडामेंटल राइट बाई विच वाज द फॉलोइंग अमेंडमेंट ठीक है तो ये एजुकेशन uh, जो है छः से चौदह साल के बच्चों के लिए इसको फ्री और कंपलसरी रखा गया है फंडामेंटल राइट में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ है तो ये आपका छियासी एटी सिक्स अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें हु अमाउंट द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट देखिए फंडामेंटल राइट कौन सस्पेंड कर सकता है तो ये प्रेजिडेंट बाई को हमारे प्रॉब्लम होती है ठीक है अभी बहना है वो अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन औरिजन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया ठीक है तो कोई अगर भारत का बंदा बाहर किसी कंट्री में रह रहा है तो उसकी भी सिटीजनशिप राइट right जो है आ, क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगे तो ये किस आर्टिकल में आता है तो ये आपके आर्टिकल आठ के अंदर आता है ठीक है कल सिटीजनशिप का ईयर आया हुआ था इन विच ईयर उत्तरांचल वाज री नेम एज उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोला जाता था इसको उत्तराखंड नाम कब दिया गया तो ये 2007 में दिया गया ओके okay? उसके बाद है हु रोड द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ स्पिरिट ऑफ लॉ जो है बुक किसने लिखी है तो ये आपकी ने लिखी है ने ठीक है उसके बाद है विच आर्टिकल स्टेट दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द दैड टू एड एंड एडरवाइज द प्रेजिडेंट ठीक है कौन सा आर्टिकल कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है वो एड एंड एडवाइज़ करेगी प्राइम मिनिस्टर को तो ये आर्टिकल सेवेंटी फोर कहता है ठीक है विच अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है अमेंडमेंट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी को लेकर जो है यानी जी को लेकर ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था तो ये आपका वन हंड्रेड एंड वन अमेंडमेंट हु इज़ अथोज टू एक्सटेंड द जुरिस्टिक्शन ऑफ कोर्ट तो कोर्ट की जुरिस्टिक्शन कौन बढ़ा सकता है तो पार्लियामेंट बढ़ाती है ठीक है याद रखिएगा पार्लियामेंट बढ़ा सकती है प्रेजिडेंट नहीं बढ़ाएगा वो एडमिनिस्टर ओथ टू द हाई कोर्ट जज ठीक है हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन देता है तो हाई कोर्ट का जो जज रहता है उसको गवर्नर जो है यानी स्टेट का गवर्नर देगा जो भी स्टेट का गवर्नर होगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वोट इज रिक्वायर्ड बाई पार्टी इन स्टेट इन जनरल असम्बली इलेक्शन टू रिकोगग्नाइज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसको असेंबली के जो इलेक्शन है स्टेट के या जनरल के उसमें कितने वोट जो हैं पार्टी को लेने पड़ेंगे तो स्टेट पार्टी वो कहलाएगी तो छः परसेंट कम से कम ठीक है टोटल वोट पार्ट है तो छः परसेंट ले लीजिए उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का रिप्लेस किया गया है किस एक्ट के द्वारा तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस के द्वारा ठीक है उन्नीस के बाद अब दो वाला आ गया इन विच ईयर इन विच ऑफ फॉलोइंग ईयर जनरल इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है कौन से जनरल इलेक्शन में ई जो है सबसे पहले यूज़ किया गया तो उन्नीस का जो इलेक्शन था उसमें ई पहले यूज़ किया गया लॉर्ज लार्ज स्केल हालांकि नहीं था लार्ज स्केल इक्कीसवीं सदी में ही यूज़ किया गया भैया द फॉलोइंग टैक्स वा आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ठीक है कौन सा टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है और वही कलेक्ट करती है तो ये आपका आता है सारे ही तकरीबन ठीक है स्टेट ड्यूटी सेल्स टिक्सी लैंड रेवेन्यू सारे ही स्टेट लगाती है ओके उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है तो आर्टिकल 66 के अंदर आता है उसके बाद हु कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम इस ऑफिस ठीक है वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में से कौन निकाल सकता है तो पार्लियामेंट ही निकाल सकती है याद रखिए द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ठीक है ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का कितने टेन्यूअर के लिए होता है तो ये भी पाँच साल के लिए ही होता है जैसे तकरीबन हर कोई ऑफिस होता है हाउ मेनी मेंबर वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ठीक है इनिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने मेंबर थे तो इनिशियली जो है वो थ्री थे ओके उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार आया था तो उसमें कितने आर्टिकल थे ठीक है तो तब थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल थे ठीक है आज तो चार सौ लगभग साढ़े चार सौ के आसपास होने लगे हैं विच आर द फॉलिंग शेड्यूल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द मैटर लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ठीक है नई स्टेट अगर बनानी है तो कौन से शेड्यूल के अंदर वो कवर रहेगा तो वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आएगा ठीक है उसके बाद विच हॉर्स विच हाउस इज कॉल्ड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है कौन सा हाउस है जिसको अपर हाउस पार्लियामेंट का कहा जाता है तो ये राज्यसभा को कहा जाता है ठीक है लोकसभा जो है वो लोअर हाउस आ जाता है मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए जो है चुने जाते हैं छः साल के लिए ओके उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से डिराइव की गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी वो है आ, वो यू एस एस आर से यानी रशिया से की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है याद रखिएगा राइट्स की बात नहीं ठीक है राइट्स हो तो वो वो यू एस से की गई है उसके बाद बिच आर्टिकल स्टेट दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का भैया होगा ही होगा तो आर्टिकल तिरसठ के अंदर जो है ये कहा गया है ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो कितनी है अभी मौजूदा हालात में अगर आप देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो ये पाँच है ठीक है फील्ड जो है वो पाँच ही है दो तो लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ है पाँच द प्रेजिड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू राज्यसभा प्रेजिडेंट जो है इंडिया का वो कितने मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है तो बारह मेंबर करता है ये आपको पता ही है ठीक है उसके बाद पार्लियामेंट आर स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वेकेंट इफ़ द मेंबर एबसेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन पार्ट ठीक है तो पार्लियामेंट जो है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर एक मेंबर कितनी देर तक अगर एबसेंट रहता है तो उसको आ, सीट को वेकेंट कर देगी यानी उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा इसको निकाल देगी तो साठ दिन तक अगर कोई बिना परमिशन के वहाँ पर नहीं आएगा तो भैया बाहर हो जाएगा ठीक है वट वाज द मेम्बर वट वाज द नंबर ऑफ़ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देखिए जब पार्टीशन हुआ बंटवारा हुआ तो प्रिंसली स्टेट कितनी थी भारत में तो प्रिंसली स्टेट तब थी पाँच सौ बासठ उस द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द एमरजेंसी ठीक है एमरजेंसी के टाइम जो कॉन्ट्रोवर्शियल मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास किया गया वो कौन सा था तो वो था आपका फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट लगभग इसमें इतने आर्टिकल इतनी चीज़ें पास की गई इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इतनी नई चीज़ें इसमें डाली गई थी डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन ठीक है डाइट जो है कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं जैसे हमारे यहाँ पर संसद भवन कहा जाता है तो डाइट कौन सी पार्लियामेंट को कहते हैं तो जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन नॉमिनेटेड टू लोकसभा ठीक है एंग्लो इंडियन कितने मैक्सिमम कर सकते हैं तो हालांकि ये अब जो है रूल खत्म हो गया है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो अब ये कहा गया है कि एंग्लो इंडियन को बिल्कुल भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस या नॉमिनेट नहीं किया जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ठीक है हाउ मेनी टाइम हैज फाइनेंशियल एमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया फाइनेंशियल एमरजेंसी अभी तक कितनी बार डिक्लेयर की गई है तो बिल्कुल कभी भी नहीं की गई है ठीक है ना ही करनी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है सुप्रीम कमांडर जो है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का कौन है तो प्रेसिडेंट भाई साहब हैं हमारे ये तो आपको पता ही है उसके बाद है व्हाट इज़ द मिनिमम ईयर ऑफ़ एज फॉर अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है तो कितनी मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए तो तीस साल आपकी सॉरी पैंतीस साल आपकी होनी चाहिए तीस नहीं ओके पैंतीस साल की एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज adopted बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 26 नवंबर उन्नीस को ठीक है ये भी हमने पहले ही डिस्कस किया बाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेली was मेड द नेशनल कैपिटल टेरेटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरेटरी कब बनाया गया तो ये सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट के द्वारा ओके okay? उसके बाद हाउ मेनी शेड्यूल्स आर दे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने शेड्यूल हैं भारत के संविधान में तो बारह हैं भैया आज मौजूदा दौर में ठीक है जब आए थे तब आठ थे हुज द फॉलोइंग हु द फॉलोइंग बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज वाइस प्रेजिडेंट ठीक है कौन है जो कि प्रेजिडेंट तो भारत का बना लेकिन वाइस प्रेजिडेंट नहीं बना डायरेक्ट प्रेजिडेंट बन गया भैया वो थी आपकी नीलम संजीवा रेड्डी ठीक है उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एस ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को क्या बुलाता है बुलाता है तो वो है आपका इंडिया दैट इज़ भारत तो इंडिया भी है भारत भी है ताकि कोई भी नाराज़ ना हो जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो भी नाराज़ ना हो जो हिंदी पढ़ते हैं तब तो भी नाराज़ हो बिल्स ऑफ राइट और जुडिशल रिव्यू जो हैं फीचर ऑफ़ विच ऑफ़ द फॉइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो बिल ऑफ राइट और जुडिशियल रिव्यू कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं तो अमेरिका में हमारे यहाँ पे जुडिशल रिव्यू तो है लेकिन बिल सा फीचर नहीं है ठीक है वो मतलब फॉलोइंग वाज नॉट द यूनियन टेरिटरी बिफोर इट वाज अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैज स्टेट ठीक है कौन सी है इनमें से जो कि फुल फ्लैज स्टेट जब इसको मिली तो उससे पहले वो यूनियन टेरेटरी नहीं थी वो तो है सिक्किम ठीक है जैसे इसको डाला गया है, कैप्चर की गई थी तो इसको डायरेक्ट स्टेट बना दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज अनअपोज अन प्रेजिडेंट कौन से सिलेक्ट किए गए थे तो वो थे आपके सिक्सथ प्रेजिडेंट जो थे आपके कौन से थे आप ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ स्पेशल कमेटी ठीक है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे तो सर अलादी कृष्णेश कृष्ण स्वामी आई है ठीक है सिर सर अलादी कृष्ण स्वामी आई है ठीक है जो स्पेशल कमेटी बनी थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज अंटिल जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ठीक है कोर्ट का जज कितनी उम्र तक जो है वो ऑफिस में रहेगा तो बासठ साल ठीक है बासठ साल तक बेचारा रहेगा वहीं पर ज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी सेट अः इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त लोकायुक्त जैसा इंस्टीट्यूट जो है सबसे पहले कौन सा स्टेट में बनाया गया तो महाराष्ट्र में जो है बनाया गया था ओके नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा नाइन्थ शेड्यूल डाला गया था ओके विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट ठीक है कौन से आर्टिकल में कपरेटिव सोसाइटी बनाना भी फंडामेंटल राइट right आता है तो वह आपका उन्नीस में ठीक है एसोसिएशन बनाने के अंदर अंदर आता है बिल पास बाय पार्लियामेंट हैज़ टू बी साइन बाय बिल जो पार्लियामेंट पास करेगी उसको कौन साइन करेगा तो प्रेसिडेंट करेगा तभी जाके वो एक्ट बनेगा ठीक है उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इस्टैब्लिश की गई कौन से साल में तो ये आपकी 2003 में इस्टैब्लिश की गई उसके बाद है विच अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने एज जो है हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जजेस की रिटायरमेंट की वो बीस साठ से बासठ साल कर दी तो वो था आपका फिफ्टीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम इन टाइम अ पर्सन कैन भी इलेक्टेड इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक पर्सन जो है कितनी बारी प्रेजिडेंट बन सकता है भारत का तो उसमें कोई बार नहीं है भैया जितनी मर्जी भारी बनो जब मर्जी बनो मरते दम तक बनो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट्थ शेड्यूल में कौन सी कौन लैंग्वेज इसमें से नहीं है वो है इंग्लिश ठीक है इन टू हाउ मनी पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिवाइडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यून को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो बाईस पार्ट में है और भर भी सकते हैं भैया आगे आने वाले टाइम में तो उसके बाद है कि राज्यसभा में से हर दूसरे साल में कितने मेम्बर जो है वो रिटायर हो जाते हैं तो वो आपके हैं वन थर्ड ठीक रिटायर होते हैं फिर उसकी जगह नए डाल दिए जाते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबोलिश ठीक है इनमें से कौन चीज़ है वो अबलिश की जाती है तो लेजिसलेटिव काउंसिल जो है इसको अबलिश किया जा सकता है जो कि अब जम्मू कश्मीर में भी अबॉलिश कर दी गई है ठीक है इन पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति जो है वो कौन से लेवल पर आती है पंचायत समिति जो है आपकी ब्लॉक लेवल पर आती है यहाँ पर बी डी सी आप कर दिए गए इन इंडिया देयर इज़ इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है बहुत सारी पार्टीज़ हैं लड़ती हैं इलेक्शन जो जीता वही सिकंदर वो वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का पहला डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो कहते तो एस वी कृष्ण मूर्ति राव जो है ये पहले डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट थे द लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउस इज नोन एज ठीक है वो लेजिस्लेचर जिसके दो हाउस होते हैं उसको बाई कैमरल कहा जाता है उसके बाद डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ये किसने कहा था तो ये कहा गया था अब्राहिम लिंकन के द्वारा बहुत अच्छा जो है एक कोट, कोट है इसको याद रखिएगा किसने कहा अब्राहिम लिंकन ऑफिशियल लीगल एडवाइजर जो है स्टेट गवर्नमेंट का वो कौन रहता है तो वो रहता है आपके एडवोकेट जनरल ठीक है हाउ मेनी वुमेन्स आर इलेक्टेड टू फर्स्ट लोकसभा पहली लोकसभा जो बनी उसमें कितनी वुमेन्स जो इलेक्ट हुई थी तो लगभग बाईस हुई ठीक थी, है बाइस वूमन उसमें चुनकर आई थी नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन वूज रिकमेंडेशन पंचायती राज सिस्टम विद टू टीयर वाज इंट्रोड्यूस ठीक है तो टू टीयर पंचायती राज सिस्टम जो है जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था उसके चेयरमैन जो है वो कौन थे तो वो थे आपके अशोक मेहता जी पंचायती राज सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट विच प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अन अपोज अन अपोज प्रेजिडेंट कौन सेलेक्ट किया संजीवा रेड्डी हमने भी पढ़ा नीलम संजीवा रेड्डी इनका पूरा नाम है अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग टू ठीक है हाईकोर्ट का जज जो है किसको अपना रिजाइन दे सकता है तो ये दे सकता है प्रेजिडेंट भाई साहब ने देखा था तभी तो जाकर इसका मान जाएगा फर्स्ट चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो कौन थे फर्स्ट चेयरमैन डी एस राधा कृष्ण ठीक है एस राधा कृष्ण डॉक्टर एस राधा कृष्ण वो वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे लॉर्ड माउंट पैटन ही थे ठीक है लास्ट में वही थे पहले भी वही थे इन विच स्टेट ई वी एम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन इन द इंटायर स्टेट ठीक है तो पहले जब उन्नीस सौ बासी में यूज़ किया गया तो काफ़ी कम लेवल पर यूज़ किया गया तो यहाँ पर इंटायर स्टेट में जब जो है इसको कब यूज़ किया गया है किस स्टेट ने पहले यूज़ किया तो वो किया था आपकी गोवा स्टेट ने ओके बस थोड़े ही क्वेश्चन रह रहे हैं इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा इन उन्नीस सौ बावन हाउ मेनी नेशनल पार्टीज बाज कंस्ट्रक्टेड ठीक है जो उन्नीस सौ बावन में पहले जनरल इलेक्शन हुए तो कितनी पार्टीज़ ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा तो चौदह पार्टीज थी लगभग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा पहले इलेक्शन में ओके तो ये आपके सौ क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे काफ़ी अच्छे जो है चुनकर क्वेश्चन में डाले गए थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए भी थे कुछ क्वेश्चन कल के जेके पी के एग्जाम में और आज भी आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आने वाली जो जितनी शिफ्ट हैं या जो दूसरे भी जितने आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें भी जो है काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं ठीक है तो ज़रूर देखिएगा एंड बने रहेगा एडवर्टाइज के साथ थैंक यू